अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद ज़ुबैदा शफीक लबे जायका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेल का मुरब्बा। देखिए, ये हमने 3 बेल लेके इसका छिलका उतार के हमने इसको रात में भिगा के रखा था, अभी अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारा पल्प इसका निकल जाएगा और बीज अलग हो जाएगा। गर्मी के दिनों में इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही मुफीद होता है। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे और इसका अच्छा सा पल्प निकाल के आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, हमने सारे बीज को छान के अलग कर लिया है और ये गाढ़ा सा पल्प इसका निकल आया है। अब इसको हम एक पैन में डाल देंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। अब धीरे धीरे चलाते हुए इसको पकाना है। ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है, पकने लगा है ये। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, चला लेंगे। आप चाहें तो फूड कलर डालें, नहीं तो ना डालें। और ये आधी कटोरी, ये हमारी 150 ग्राम शुगर है, इसको भी डाल देंगे और साथ में पकाते रहेंगे। ये देखिए, इसमें बॉयल आ गया है, ये पक रहा है, इसके हम गाढ़ा होने का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही चलाते हुए पकाते जाएंगे। कहीं से थक के आए हैं, बस सुबह सुबह 2 चम्मच खा के पानी पी लीजिए, ताजगी आ जाएगी। आप लोग भी बनाइए और हमको बताइएगा कि कैसा लगा। और ये देखिए, ये एकदम ठीक हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा ये। आप लोग ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला। इसको निकालते हैं, हम माफ़ कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारी बेल का मुरब्बा रेडी हो गया है। अभी ये ठंडा होगा तो एकदम से गाढ़ा हो जाएगा ये। इसको आप फ्रीज में रख के 8-10 दिन के लिए इसको सेव कर सकते हैं, खा सकते हैं इसमें रख के। ये देखिए, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।
अल्लाह हाफिज़।